सवाल किया गया है, क्या औरत अपने शौहर का नाम लेके पुकारे तो क्या उसका निकाह टूट जाएगा? तो ऐसा नहीं है, नाम लेने से निकाह नहीं टूटता, लेकिन नाम लेने में ज़रा बेइज्जती सी महसूस होती है। बीवी को चाहिए कि शौहर का इस तरह से धड़ल्ले से नाम ना ले, उसका फ़र्क उसके बच्चों पर भी पड़ता है। या तो कोई प्यार का नाम रख ले, नहीं तो फिर आप जनाब से उसको अपनी तरफ मुखातब करें, वो बेहतर है। डायरेक्टली नाम लेना ये मुनासिब नहीं है। बहुत सी औरतें फिर बढ़ जाती हैं इतना कि वो तू तलाक बोलती हैं, ये तो बहुत गलत है, शोहर की बेइज्जती पर उतर आती हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि शोहर की हर हाल में इज़्ज़त करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर शोहर के जिस्म पर खून बहता हो या उसके जिस्म पर ज़ख्म हो या फोड़े हो, उससे लहू या पीप निकलता हो और औरत अपनी ज़बान से उस लहू या पीप को चाट कर साफ करे, तब भी शोहर का हक अदा नहीं हो सकता। ऐसे ही शोहर को चाहिए कि बीवी का या तो कोई प्यार का नाम दे दे, उसको उस प्यार के नाम से पुकारे, नहीं तो उसको भी तू तड़ाक से ना पुकारे, क्योंकि इसका असर उसके आने वाले बच्चों पर पड़ता है, फिर वो भी अपनी माँ को तू से अरे तरे से बोल रहे होते हैं। अगर आप मियाँ बीबी आपस में एक दूसरे को अदब से बोलेंगे तो आपके पैदा होने वाले बच्चे भी एक दूसरे को अदब से बोलेंगे और इससे एक अच्छा मुआशरा बन के तैयार होगा।